यहाँ पर बहन जो भी अभी लिख रही है राशन, तो ये हम क्यों लेके आ रहे हैं मैं बताता हूँ। फाइनली यार दुकान पे पहुँच गया है और पर्ची देती मनी। देख ले पक्की बात है। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं रेडी हो गया था बिल्कुल और बाहर जाने लगा था। मम्मी कह रही थी ये जो मशीन है ना, मशीन में एक नीडल लगती है, ये रही, ये 18 नंबर की है। तो मम्मी कह रही थी ये ख़राब हो गई थी, ये लेके आनी है। तो अभी मैं बाहर जा रहा था एक नीडल लेने, ये वाली, फिर आकर एक जगह और जाना है हमने। और चरण पाजी क्या हाल चाल? बढ़िया। और घूम रहे हो? कहीं नहीं, बाहर तक जा रहा हूँ दुकान तक। इसे जानता हूँ मैं। जानता है ना, मैं ही हूँ। ओ पाजी की हाल है, तुसी पाजी बिग फैन पाजी। फाइनली नीडल ले ली है और एक पटका ले लिया जग्गू के लिए ब्लैक, दोनों चीजें ले ली है और अब चलते हैं। घर पहुंच गया और जग्गू ले ब्लैक पटका लेके आना ना तेरा। हाँ, ब्लैक ले आया पटका, देख ले एक बारी। सही है, ये सुई कहाँ से आ गई? हाँ ये तो लेने गया था। ये लो मम्मी, ठीक है 18 नंबर ना। कितने की है ये? मिली है 8 रुपए की। ठीक है, तो मम्मी कह रही है एक बार ये लगा के देखते नीडल और फिर ही पता लगेगा ठीक है नहीं है। अभी लेके आए थे वो क्या हुआ, वो खराब निकली। अभी तो मैं लेके आया हूँ, पहले गया था जग्गू लेने। जग्गू यहाँ पर ही कोई दुकान पे गया था लेने, बट वो वाली नीडल बिल्कुल ख़राब निकली। जब वो चला रहे हैं ना, वो पूरा कपड़ा ख़राब करिए, धागे धागे निकल रहे हैं। तो मम्मी कह रही थी कॉल लेके आ, अब मैं आगे गया था लेने। हाँ ये वाली लेके आया था भाई जग्गू, अब चला के देखो एक बारी ये ठीक है या नहीं ठीक। वही था जग्गू भी रेडी हो गया। पटका कब बनेगा? आज पटका मैंने अब गीला करने के लिए रखा, क्योंकि वो अकड़ा कड़ा कपड़ा होता है। हाँ तो कल ठीक होगा, कल ठीक होगा, कल बांध लेगा, कल नीचे बनेगा, अभी नीचे कुछ नहीं बना। अच्छा चलो ठीक है, अब देखते हैं इधर। ये ठीक है? हाँ। ये देखो पहले आपको दिख रहा होगा लाइने लाइने आ गई, धागा अटक रहा था, लेकिन ये ठीक है अब। हाँ देखो ठीक नहीं, ठीक तो है, पहले वाली लेके आया था वो खराब थी जग्गू। और मम्मी कह रही है ये वाली ठीक है बिल्कुल, ये ठीक चल रही है, धागा तो नहीं अटक रहा ना, वो ठीक है। सिद्धू ठीक है ना? तो अभी यहाँ पर मशीन तो ठीक चल रही है और मम्मी ना यहाँ पर कुछ लिख रही है, दाल है, नमक, राजमा। मम्मी और ये भी बता दे फिर। यहाँ पर बहन जो भी अभी लिख रही है राशन, तो ये हम क्यों लेके आ रहे हैं मैं बताता हूँ। क्योंकि ना मैंने बोला था कि ना हम लंगर करेंगे गली में, मतलब ये गली वाले जो दो तीन जाने मिलके, मतलब कि मन्नी हो गया, मैं हो गया, बाकी दो तीन जाने हो रहे, तो मिलके ना लंगर करने था। लंगर हम नाले वाला जो रोड है ना वहाँ पर बता देंगे। तभी करके ना जो जो राशन लेके आना है वो लिख रहे हैं अभी, और अभी मैं जाऊँगा लेके आ जाऊँगा। तो मम्मी आप ये लिख के मेरे को बता दे देना, ठीक है? जो जो लेके आना है फिर मैं ले आऊँगा। तो अभी बहन जब तक पूरी पर्ची बना देगी और फिर जाकर हम ले आएंगे, मैं मन्नी को फ़ोन कर दूंगा, मन्नी को ले जाऊंगा और मैं चल जाऊंगा, जो जो चीज़ें लेके आने होगी तो मैं ले आऊंगा। फाइनली पर्ची बन गई है और क्या क्या लेके आना है, माँ की दाल 3 किलो, राजमा 1 किलो, नमक 1 पैकेट, धनिया पाउडर 1 पैकेट, जीरा, टोटल ये पर्ची बन चुकी है। रात तो सिद्धू भाजी भी तैयार है, तैयार हो गया और ट्यूशन तो आज जाना नहीं आता, छुट्टी है, कल जाएगा, कल पेपर भी है तेरा, और यहाँ पर ताया जी अभी कुछ ठीक कर रहा है। ताया जी की ठीक कर रहे हो? पंखा? अच्छा तो ताया जी यहाँ पर पंखा ठीक कर रहे थे, जो पंखा चल रहा होता है ना ऊपर लगा होता है वो वाला, हमारे यहाँ भी लगा है। हर जगह लगा होता है वो, तो हर जगह लगा है। तो अभी मन्नी भी आ गया सुंदर के घर है, तो चलते हैं वहाँ पर। भी आ गया सुंदर के घर। और पाजी वधिया वधिया और भाई चरण, तेरे को कल बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे हम, जब हम बर्गर खा रहे थे ना, मगर अभी यहाँ चरण होता तो बोलता बर्गर। और मन्नी को मैंने पर्ची दिखाई है, जो जो राशन लिखा ठीक है ना, मक्खन लेके आना, मक्खन और क्रीम और चाय पी रहे थे इधर, बाकी चाय बाकी उन्होंने पी ली है, मैं ही हमेशा लेट होता हूँ चाय के लिए। चलिए फिर। हाँ बस चल रहे, थोड़ी देर से चल रहे। चलो फिर। तो अभी हम चलते हैं, जो जो राशन लेके आना है वो लेने जा रहे हैं अभी, और मैं आ गया था, मन्नी आ गया था,
और ये आपने आगे करण पाजी और पाजी की हाल चाल चलिए फिर यार दुकान पे पहुंच गया है और पर्ची देती मनी। चलो वेट करते हैं यहाँ पर। तो फाइनली यार राशन ले लिया है और अब थोड़ा बहुत चीज़ें रह गई है जो मंडी में जाकर मिल जाएगी, प्याज टमाटर और बाकी चीज़ें। तो अभी करण पाजी ये वाली लाइट चेंज करा रहे हैं। करण पाजी वाइट लगवाने हैं। वाइट? हाँ भाई वाइट। वाइट लगेगी लाइट। हाँ वाइट ज़्यादा होती है। तो अभी ये शीशा उतार दिया है और बल्ब चेंज हो रहे हैं। तो एक लाइट तो हो गई चेंज, पिछली वाइट लगी है और अब लग रही है अगली। तो जी फाइनली ये भी वाइट लगी है लाइट। चलो और अब चलते हैं। तो जी फाइनली घर पहुंच गए हैं और गाड़ी यहाँ पर है पार्क और हम चलते हैं घर। तो अभी हम आ गए अपने घर और ये आटा ले आए थे। आटा ये वाला मिला है, बाकी रिफाइंड की थैली, मिर्च, राजमा, दाल, नमक, ये चीज़ें आ गई है। हाँ एक बार पतीला पतीला तो होके ना बिच। हाँ दाल उत्थे रख, राजमा भी रखने पे होने, दोनों चीज़ें रखनी है ना। हाँ 13 का रहेगा ना हर महीने एक बारी, है ना। तो अभी हमने प्लान किया है कि ये जो लंगर हम कल लगा रहे हैं आगे भी कोशिश करेंगे कि हर महीने ना एक डेट रखे और एक डेट में मतलब हम लंगर करें। तो ये आगे हम अपनी कोशिश रखेंगे अपनी पूरी। फिलहाल के लिए आटा ले आए हैं, बाकी चीज़ें रह गई हैं, प्याज रह गए, टमाटर वो मंडी का काम है, वो अभी चले गए। तो अभी चलते हम नीचे, बाकी ये पर्ची में आधी चीज़ें आ गई, आधी चीज़ें रह गई है। जो मंडी मंडी के जो जाना है ना प्याज टमाटर लेने, वो ही रह गया खाली फिलहाल। अभी करण और मन्नी वो कहीं गए हैं और हम बाद में जाएंगे, मंडी जाना है हमने। और जब मन्नी आएगा फिर जाएगा मंडी। मम्मी कल तैयारी जब करनी है, दाल राजमा वो तो आज ही रख देंगे भिगो के, तो बाकी चीज़ें वो आप कर लोगे? ठीक है आप कर देना, बाकी जो होगा परजाई परजाई को बोल के ना एक बार करवा लेना, है ना। कल भी हम जल्दी उठेंगे थोड़ा और बाकी जो जो काम करने वाला होगा वो हम कर लेंगे। और ये भी देख लेंगे लंगर कहाँ पे लगाना है, गली के वो वाले कोने पे लगाना है, ये नाले वाले रोड पे लगाना है, तो वो भी कल ही कंफर्म कर लेंगे हम। इतना क्या हो गया तेरे को? क्या हो गया? कुछ नहीं। डर गया दादू? हाँ। चल एक काम करते, ये ना मक्खन की 3 टिक्की है ना, ये रख के आ जा फ्रिज में, फ्रिज और ऊपर वाले में रख दियो क्योंकि ठंडी हो जाएगी ना फिर। जा जब बचेगी ना, जब बचेगी तेरे को दे देना। बचेगी नहीं, बचेगी लंगर में लगानी है ना मम्मी, कह रहा बचेगी मेरे को दे देना। जब बच गई तो? नहीं बचेगी, बचेगी नहीं, बच गई तो? अरे बचेगी नहीं, बचेगी। सिद्धू भाजी कह रहे हैं बचेगी मेरे को भी दे देना, लेकिन सिद्धू भाजी को पता ही नहीं है लंगर में हमने डालनी है ये, और ये बचेगी थोड़ा। ये लाइन वेज लगा रहा हूं मैं, लाइन वेज ना लगा गिर जाएगी। ये रहने दे, यही रहने दे। ये अमूल की टिक्कियां, अमूल की टिक्की, उसके साथ हम खेल भी सकते हैं। चलो और अब चलते हैं मंडी, मंडी का भी जो काम है वो भी पूरा कर लेते हैं। तो मन्नी आ रहा है और चलते हैं। वो पहले पहुंच गए हैं मंडी और प्याज लेने थे पहले, तो वो प्याज यहाँ पर करा रहे हैं किलो। प्याज 40 रुपए, 40 रुपए, 40 रुपए किलो डाल दो। डड़ी ले लो, 180 रुपए दे देना, ले लो। अंडी पाइया डाल देना, पाइया अदरक है और हरी मिर्ची भी डाल देना पाइया, बाकी धनिया डाल देना 20 का। बाकी जो अभी मंडी आए थे हम जो जो चीज़ें लेने आए थे वो तो ले ली है, और बाकी मन्नी भी है, मन्नी दुकान पे गया हुआ है, डेरी पे, डेरी का जो जो चीज़ें रह गई थी मन्नी वो लेने गया हुआ है। टमाटर भी ले लिया है, बाकी जो डेरी गया था ले लिया, बाकी चीज़ें क्रीम, क्रूम क्रीम नहीं मिली, क्रीम नहीं मिली,
चलो आ जा, चलो चलो। हाँ भैया कितने हो गए? वो मनी कह रहा भी डेरी और ये दही का पूरा डब्बा ले आया, कितने मतलब किलो का है? 710 रुपए 15 किलो। 15 किलो, चलो ये भी काफी है ना। वो भी पहुंच गए घर पे और बाकी जो ले आए हैं टमाटर ले आए हैं, प्याज है, धनिया है और ये लेके आया है दही का 15 किलो का। फाइनली यार पतीले दोनों वाला काम हो गया है डन और अभी चल रहे हैं वॉशिंग, और अभी वॉशिंग करा है मन्नी। यहाँ पर सिद्धू बाजी भी है, सिद्धू तोता वॉश करते। चलो फाइनली यार वॉशिंग वाला काम होने वाला है डन, और ये रहा जब्बू। मैं ऊपर आ गया हूँ, पतीले धो रहे थे जो कल हमने लंगर बनाना है, दाल बनानी है, पतीले धो रहे थे और पतीले धो दिए और अभी आ गया था ऊपर। और दुकान पे भी गया था, दो मैगी लेके आया हूँ, मैगी बनाएगी अभी। एक मैगी लेके आया हूँ मैं अपनी और एक मैगी लेके आया हूँ जो सिद्धू बाजी और जग्गू दोनों खा लेंगे, हाफ हाफ डाल देंगे। लेकिन बहन अभी यहाँ पर ब्रेड करी है तो और डिनर नहीं बन रहा है, और ब्रेड खाएंगे हम। मम्मी कह रही है डिनर रहने दो और ब्रेड खाते हैं, तो ब्रेड है, चाय है और अभी ये खाते हैं। ब्रेड खाने के बाद मैं मैगी बनाऊंगा। और अभी टीवी पे चलाई हुई है मूवी पुष्पा और बाकी फैमिली देख रही है। मम्मी कह रही थी बहुत टाइम हो गया देख रही है मूवी, बहुत अच्छी है, तो आज टीवी पे लगा दी हमने पुष्पा। टीवी पे आज चल रही है पुष्पा और हमारा पुष्पा ये बैठा हुआ। तू ही है पुष्पा? पुष्पा का डायलॉग तो बोल दे जग्गू। झुकेगा नहीं साला, तेज बोलना। झुकेगा नहीं साला, मैं बोलूं झुकेगा नहीं साला। ब्रेड हो रहे थे गरम, ब्रेड का काम हो गया डन और अब हम बनाते हैं अपनी यहाँ पर मैगी। ये आ गई है मैगी और मैगी बनाते हैं। और देख दो मैगी है ना सिद्धू भाजी, दोनों मैगी बना देते हैं ठीक है। थोड़ी मैं ले लूँगा, थोड़ी तू ले लेगा, थोड़ी हमारा जग्गू ले लेगा ठीक है। फिर मैं बनाने लग गया ना मैगी, और मैगी के पैकेट खोलते हैं और फिर डालते हैं मैगी अंदर। दोनों पैकेट मैगी के खोलते हैं। तो पानी भी पूरा गर्म हो गया है और अब मैगी डालते हैं। चलो जी मैगी हो ही गई है, बॉइल हो गई अच्छी तरह। अब ऊपर हम ये डाल देते हैं, ये चीज़ है मैजिक, और ये मैजिक डाल देते हैं। अब जादू, जादू है ना। जादू। फाइनली यार मैगी बन गई है और मैंने बहन को बोल दिया तू डाल दे, हम खा लेते हैं। बाकी तूने क्या खाया, तूने ब्रेड ही खाई है? पेट भर गया? नहीं भरा। ब्रेड आपके पास? ब्रेड पता नहीं है, चंदप्रीत को पूछ रहा मैं। ब्रेड नहीं है? है कोई नहीं, ब्रेड वाला वो बना लेंगे हम। मैगी ये वाली जो मैगी डाली है ना, ये मैंने ले रहा हूँ क्योंकि मैंने थोड़ी अपनी ज्यादा डाली है। ये सिद्धू बाजी को दे देगी और ये दे देगा जग्गू को। तू ये ले तेरी ठीक है, और ये वाली हम दे देते हैं जग्गू को। जग्गू ले जा। चलो चलते हैं और खाते हैं, चम्मच भी ले लेते हैं। चम्मच की तरह ये रहा चम्मच, तो ये रहा चम्मच, चम्मच लेते हैं और चलते हैं। तो यहीं बैठ जाते हैं। चाचू इसको ज्यादा दे दिया आपने। ज्यादा नहीं है, बराबर है। ज्यादा है? ज्यादा नहीं है, बराबर है। मुझे वो चाहिए। नहीं दे रहा। तू चेंज कर ले चल, वो देगा ही नहीं, पहली बात है देख ले, पक्की बात है। सिद्धू मैं डाल दूं तेरे को थोड़ी? नहीं मुझे वो देख लो, वो देगा ही नहीं यार। जग्गू दे रहे यार, लड़ाई मत करो यार। तू तू तो बड़ा है, तू तो दे दे, वो तो बच्चा है। मैगी के पीछे लड़ाई कर रहे हो अब। वो खाएगा नहीं, मेरे को पता है, वो भी नहीं खाएगा। मैं डाल दूं थोड़ी, ले ले डाल दूं। चल एक चम्मच डाल ले, चल बराबर कर दे तेरी। अब तेरी और जग्गू की और तेरी बराबर है। जब भी मैगी बनती है ना, जब भी मैगी बनती है सिद्धू यही कहता है मेरे को ज़्यादा चाहिए, मेरे को ज़्यादा चाहिए। एक पैकेट होगा ना तब भी कहेगा मेरे को एक प्लेट चाहिए पूरी। थोड़ी मैं मैगी दे रहा हूँ बहन को, बहन कह रही है मैंने भी खानी है, तू भी ले ले दो तीन चम्मच जो लेने हैं। दो तीन चम्मच होगी। पहले तो सिद्धू को दे दिया मैंने, तो वो देगा एक एक चम्मच, उन्हें मेरे लिए दे देगा।
तो फायदा क्या हुआ तेरा, तेरे को उतनी मिली फिर। तू हमको मना कर देता है ना, लेकिन बुआ को मना नहीं करता। तो हमने मैगी खा ली थी, मैंने भी खा ली थी, सिद्धू बाजी ने भी ना पहले लड़ाई की बट मैगी बाद में खा ली। चलो जो भी है, फिलहाल यार वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। आज के दिन आपने देखा कि हम बाहर गए थे लंगर का, जो कल लंगर हमने करना है ना, लंगर का जो जो राशन लेने जाना था वो लेने गए थे आज, तो वो भी ले आए थे। और बाकी जो पतीले धोने थे वो भी हमने धो दिया है। बाकी कल हमने करना है लंगर, कल जब हम करेंगे शायद लंच टाइम के टाइम करेंगे, मतलब कि 12-1 बजे तक। और कल मॉर्निंग में जल्दी उठ के तैयारी भी करनी है, मम्मी ने तैयारी करनी है मेन, तो क्योंकि मम्मी ने दाल दूल बनानी है और आटा उटा है वो भी करना है, क्योंकि फुलके बनते हैं, फुलके का मतलब जो हम रोटी बनाते हैं तो वो चीज़। तो कल बाकी वो तैयारी होगी, कल लंगर करे, कल का व्लॉग में मैं दिखाऊंगा आपको लंगर वाला। फिलहाल आज की वीडियो का हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।